बुंदेलखंड भूमि वीर प्रसूता है। यहाँ के कण कण से साहस, शौर्य और बलिदान की अमर गाथाएं जुड़ी हैं। यहाँ का जन जन अपने स्वाभिमान और स्वाधीनता के लिए प्राणोत्सर्ग करने को सदैव तत्पर रहता है। प्रकृति का वरद हस्त पाकर बुंदेल भूमि ने जहाँ माँ भारती के साहित्य भंडार को अपने लड़ैते लालों द्वारा निरंतर समृद्ध बनाया, वहीं आन बान और शान के पक्के बुंदेला वीरों ने अपनी विजय पताकाएं शान से फहराई। ऐसे अनुपम बुंदेलखंड में अन्याय और अधर्म के प्रतिकार की एक लंबी परंपरा रही है, चाहे वीर आला उदल की गाथाएं हों या महाराज छत्रसाल की, चाहे वीरांगना लक्ष्मीबाई के पराक्रम की कथा हो या महाराज पारीछत के साहस की, चाहे बुंदेला वीर बखतबली का विद्रोह हो या बानपुर नरेश मर्दन सिंह की शौर्य कथा। हर युग में बुंदेलखंड के लोगों ने अन्याय का विरोध किया है। फिरंगियों के खिलाफ बुंदेलखंड के रणबांकुरों ने जहां 1808 से 1812 तक लगातार संघर्ष किया, वहीं 1842 में तो पूरा बुंदेलखंड ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ उठ खड़ा हुआ। अंग्रेजों के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर जहां एक ओर गरम दल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी संघर्ष कर रहे थे, वहीं अहिंसा, असहयोग, करुणा, दया, क्षमा का अस्त्र लेकर महात्मा गांधी भी फिरंगियों को नैतिक चुनौती दे रहे थे। इन दोनों धाराओं का प्रभाव भारत के हृदय स्थल अवस्थित बुंदेलखंड पर पड़ रहा था। अज्ञातवास में चंद्रशेखर आजाद ने बेतवा किनारे डेरा डालकर यहाँ के क्रांतिकारियों को संगठित कर नई दिशा दी। आजादी के दीवानों पर जुल्म ढाकर उन्हें परास्त करने के प्रयास अंग्रेजों द्वारा पूरे भारतवर्ष में किए जा रहे थे। बुंदेलखंड में भी अंग्रेजों ने पाशविकता की हदें पार कर दी। इस पाशविकता की साहस के साथ कलई खोली लोक कवियों ने। ऐसे जुल्मों के प्रतिकार के लिए राष्ट्रीय परिदृश्य पर बापू का आगमन होता है। बापू अहिंसा का सहारा लेकर पूरे देश को एक सूत्र में बांधते हैं। बापू के आह्वान पर पूरा राष्ट्र आंदोलित होता है। चाहे वो बूढ़ा हो या जवान, चाहे मजदूर हो या किसान, चाहे सेठ हो या साहूकार, सभी बापू के पीछे आंदोलन को तैयार। बापू के प्रभाव से बांदा, महोबा, चरखारी तथा झांसी के नौजवानों ने भी अहिंसात्मक आंदोलन को अपनाया। बापू के सत्याग्रही मार्ग से प्रभावित हो देश का बच्चा बच्चा फिरंगियों के खिलाफ आजादी के लिए मैदान में कफन बांधकर कूद पड़ा। ऐसे विकट माहौल में 20वीं सदी के दूसरे व तीसरे दशक में बुंदेलखंड के देशी राज्यों की स्थिति चिंताजनक और भयावह थी। जनता में भी भारी असंतोष था। यहाँ के लोगों को दोहरा आघात सहना पड़ा। बुंदेली रियासतों के राजा जहाँ एक ओर अंग्रेजों की जी हुजूरी करते हुए जनता पर अत्याचार करते, वहीं दूसरी ओर जनता का शारीरिक शोषण इनका शगल बन गया। काली बेला की बिगार में आठ रोज भय जब गए थे, हाल
हाल चाल सब घर को बिगरो जबा सूख गए जो बैदे जबा सूख गए जो बैदे जबा सूख गए जो बैदे खेत उजर गो ढोर हेरा गए भूखे लड़का बिटिया रहे भूखे लड़का बिटिया रहे भूखे लड़का बिटिया रहे मजदूरी कर पेट भरत ते दोई तरह से हम मिट गए रियासतों के निर्दयी राजाओं ने जनता पर कई प्रकार के कर लगा रखे थे जिनको चुका पाना प्रजा के लिए संभव नहीं था। इन करों में चरु, हरौका, मड़वा कास्त, चुलियावन, मड़वा शादी, महूटा, गुलियावन, नजराना, राड़ चुकौता, जजिया, ब्याई, झरी, चमड़ा कर, पान की जमीन पर कर, मरने पर चौथ, निकासी मलवा, जोजिया, पेंकुआ व चलावा प्रमुख थे। पिता के मरने पर चौथ लिया जाता था, लगान पर आधा आना प्रति रुपया के हिसाब से नजराना लिया जाता, खेत में बनाई मड़ैया की लकड़ी पर मड़वा काष्ठ लिया जाता था, हल के लिए लकड़ी लेने पर हरौका और महुआ के फूल बीनने पर महूटा वसूला जाता, जानवर चराने पर चरू, चौकीदारी मदरसा के लिए दामी ली जाती, फसल बेचने पर खरीदार को ब्याई, दुकानदार को झरी देना पड़ती। किसान और व्यापारी दोनों इन करों से हैरान व परेशान। चरण पादुका नरसंहार के प्रत्यक्ष दर्शी स्वाधीनता सेनानी श्री परमलाल अग्रवाल, जैसे मान लीजिए कि उन्हें लगान जैसे बोलते हैं तिहाई की लगान, हम बताएं आपको 100 साल पुरानी लगान रसीद धरी हमारे पास कि ऐसे लेते भी, तो एक चारपाई बिछाऊती और चारपाई के ऊपर उसके पाँव पसवाऊती और पाँव पसार के ऊपर से डंडा मारती, दिल डाल खाका होती, बहुत बुरी तरह मारता था वो, तो इस तरह से चिल्लाते थे वो, लेकिन उसके पास पैसा तो होता नहीं, देते नहीं हैं, तो वो इस तरह से उनको तकलीफ हो करके आधे लोग जो है उसमें बहुत तकलीफ भुगतते थे। कुल मिलाकर हालात ऐसे कि आम आदमी का जीना दूभर, जनजीवन में घोर निराशा। बुंदेलखंड की जनता रो वे भय राजा अत्याचारी, भय राजा अत्याचारी, भय राजा अत्याचारी, अंग्रेजन के गुलाम राजा तिनके हम गुलाम भारी, तिनके हम गुलाम भारी, तिनके हम गुलाम भारी, लगत बिगार कृषक मजदूरन चमर गठरिया लागत है, चमर गठरिया लागत है, चमर गठरिया लागत है, पुलिस सिपाही निस दिन आवे दूध मलाई मांगत है, दूध मलाई मांगत है, दूध मलाई मांगत है, कंडा और नकरिये मांगे खाटर जोरा लागत है, खाटर जोरा लागत है, खाटर जोरा लागत है, हरी तेल तेलन से लेवे गारी चार सुनावत है, गारी चार सुनावत है, गारी चार सुनावत है, चिड़िया बुकरा देवे गलरिया हड़िया गगरी तरकारी, हड़िया गगरी तिरकारी, हड़िया गगरी तिरकारी, बुंदेलखंड की जनता रोवे भय राजा अत्याचारी, भय राजा अत्याचारी, भय राजा अत्याचारी, अंग्रेजन के गुलाम राजा तिनके हम गुलाम भारी, तिनके हम गुलाम भारी, तिनके हम गुलाम भारी, तिनके हम गुलाम भारी। आर्थिक मंदी से अनाजों की कीमत आधी रह गई, करों से लदी जनता मजबूर, कर न चुकाने पर काश्तकारों की निर्ममता पूर्वक मारपीट, उन्हें घंटों मुर्गा बनाकर रखना और उनकी छाती पर पत्थर रखकर राज्य कर्मचारियों का चढ़ना आए दिन की बात हो गई। इतना ही नहीं, थानों में कर ना चुकाने पर मनप्यारी व दिल बिगार जूतों से बेरहम पिटाई होती, कारिंदों की जबरिया कर वसूली से सभी लोग परेशान, ऐसे में विद्रोह की आग भड़कना लाजमी था। देशी राज्यों की जनता
जब इस तरह अत्याचारों व अनाचारों की चक्की में पीसी जा रही थी, तब इन्हीं राज्यों की सीमाओं से लगे ब्रिटिश इंडिया के इलाकों में स्वतंत्रता संग्राम की तैयारियां की जा रही थीं। 4 सितंबर 1929 को पांडव प्रपात में चंद्रशेखर आजाद की अध्यक्षता में पंडित राम सहाय तिवारी क्रांतिकारियों की बैठक आयोजित करवाते हैं, जिसमें टीकमगढ़ के नारायण दास खरे व प्रेम नारायण खरे, सरीला के बिहारी लाल, महोबा के जयनारायण व चंद्रशेखर आजाद सहित झांसी के 4 लोग शामिल हुए। पंडित राम सहाय तिवारी ने महोबा में पढ़ते हुए आजादी की अलख जगाना आरंभ किया। इस कारण महोबा में गिरफ्तार हुए, रिहा होने पर चरखारी आए और तभी उन्हें चरखारी छोड़ने का हुक्म मिला। धीरे धीरे बुंदेलखंड के देशी राज्यों की नजरों में राम सहाय तिवारी खतरनाक आदमी हो गए। राम सहाय तिवारी कांग्रेस के माध्यम से गांधी जी से जुड़े। राम सहाय ने हीरा सिंह के साथ मिलकर देशी रियासतों की प्रजा को जगाने का क्रम जारी रखा। भितरिया के पास जंगल में राम सहाय तिवारी, हीरा सिंह और भुजबल सिंह ने गिलोहा, पठा, चितहरी, मिड़का और दौनी के 20 व्यक्तियों के साथ बैठक कर सिजई में सभा करने का निश्चय किया। सभा हुई। सभा में लगान के अतिरिक्त सभी करों को माफ करने की मांग की गई। साथ में छोटे कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव भी पास किया गया। ये कर विरोधी आंदोलन शने शने पूरे इलाके में फैल गया। परिणाम स्वरूप रियासतों के राजा महाराजाओं व उनके आका नौगांव स्थित पॉलिटिकल एजेंट के कान खड़े हो गए। 1930 के दशहरा को महाराजपुर लौंडी मार्ग पर उर्मिल रिपटा के पास विशाल सभा हुई, जिसमें कर न देने का प्रस्ताव पारित हुआ और इसका व्यापक असर हुआ। 15 दिन बाद पुनः सिंहपुर के पास चरण पादुका पर सभा हुई, जिसमें चरखारी, पन्ना, अजयगढ़, छतरपुर तथा बिजावर राज्यों की जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। फिर अगहन के महीने में घूर मनुरिया में विशाल सभा हुई, जिसमें कर न देने का आह्वान किया गया और इसका असर भी दिखा। लौंडी तहसील में गणेशा ने लगान देने से इनकार किया। परिणाम शासन के कर्मचारियों द्वारा बुरी तरह पिटाई। उसे इतना पीटा गया कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए। बुंदेलखंड की सभी रियासतों की जनता ने मिलजुल कर फैसला किया कि सरकार की दमनकारी नीति का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हमें यह अन्याय समाप्त करना है, चाहे इसके लिए अपने प्राणों की आहुति ही क्यों ना देना पड़े। इसी बीच 18 दिसंबर 1930 का दिन आता है। इस दिन बिजावर राज्य के बैडरी गांव में बाबा मंगलदास के नेतृत्व में कर विरोधी सभा होती है। सुपरिटेंडेंट पुलिस सभा को तितर बितर करने के लिए हाथी की सूंड से साकल घुमवाता है। लोग यहां वहां भागते हैं। इसी दरमियान एसपी तैश में आकर बिना मजिस्ट्रेट की आज्ञा से गोली चलवा देता है, जिससे कड़ोरे, लोहार और गोकुल शुक्ल शहीद हो जाते हैं। तथा के नाम से वो मीटिंग रखी गई तो वो किसी तरीके से पता लग गया, एसपी को भेजा गया। एसपी का नाम था गुलाब खान, सुपरिटेंडेंट थे वो, बिजावर स्टेट है वो, बिजावर स्टेट की बात है। प्रत्यक्षदर्शी स्वाधीनता सेनानी श्री शिव किशोर अग्निहोत्री, उनने एक झमटली से हाथी मंगा के उस सभा को उस हाथी की सूंड में जंजीर पकड़ा के और उस सभा के ऊपर फेरी गई, उस सभा को चितर बितर किया। अब वो जब सभा भंग हो गई, उसके बाद कुछ 10-12-15 लोग बैंडरी के थे, वो बैंडरी की एक जगह एक छपरी में जाकर के बैठे और वो गुलाब खां चक्कर लगा रहा था कि फिर से कहीं इकट्ठे ना हो जाएं, तो विवाद हो गए। वहाँ पर एक कड़ूरा नाम के एक लोहार और गोकल ब्राह्मण, कड़ूरा लोहार एक छपरी में बैठे थे, तो उसने डंडा निकाला उस छपरी से और उस एसपी के फेंक के मारा और उसको गुस्सा आ गई। तो गुस्सा आ जाने के बाद उसने हुक्म दे दिया अपने सिपाहियों को कि मारो इनको सालों गोली। तो वहाँ दो फेर चला जाए और उसमें
करोड़ा लोहार और गोकल दोनों वहीं मौके पर शहीद हो गए। नवंबर 1930 के अंत तक ये कर विरोधी आंदोलन इतने बड़े पैमाने पर संगठित हो गया कि समस्त देशी राजे महाराजे व नौगांव स्थित पॉलिटिकल एजेंट सभी उससे बहुत चिंतित हो उठे और इसी स्थिति का सामना करने के लिए एक संयुक्त मोर्चे का निर्माण करना जरूरी समझा गया। ऐसी स्थिति में बुंदेलखंड के देशी राजाओं की एक शांति परिषद गठित की गई जिसका अध्यक्ष पन्ना महाराजा को बनाया गया। अन्य रियासतों के राजा सदस्य बनाए गए। शांति बहाल करने के लिए राजाओं द्वारा जनता को बहलाने फुसलाने के प्रयत्न हुए किंतु सभी असफल। जन नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में ठूंसा गया। स्थिति बिगड़ने पर इंदौर से एजेंट गवर्नर जनरल आया। उसने आंदोलनकारियों व जनता की बैठक बुलाई। बैठक को संबोधित करते हुए उसने कहा, तुम लोगों ने जो बगावत कर रखा है वो अंग्रेजी सरकार बर्दाश्त नहीं कर सकता। कर और लगान तुम सबको देना ही चाहिए और देना ही पड़ेगा। ई जानिब ने तुम्हारे मुखियों के कहने को गौर से सुना। तुम शिकायत करता है कि लगान बहुत ज्यादा है और अवाब नामुनासिब है और ये भी कि तुम्हारी सुनवाई भी नहीं होता। इसीलिए तुमने सोचा कि तुम कोई महसूल कतई अदा नहीं करोगे और एक बहुत बड़ा जमावड़ा इधर इकट्ठा किया। बावजूद चंद रियासतें मुस्तहिर किए जाने के बाद भी तुमने ऐसा किया, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और इसीलिए अंग्रेजी सरकार ने तुम्हारे महाराजा साहिबान की मदद के लिए फौज भेज दिया है। और भी न जाने कितने तरह से समझाया और धमकाया लेकिन जनता कर न देने पर अडिग। दमन चक्र आरंभ हुआ। फिशर ने प्रजा से सहानुभूति रखने वाले छतरपुर के दीवान सुखदेव बिहारी मिश्र को नौकरी से हटा दिया और तहसीलदार लौंडी को मुअत्तिल किया। दीवान सरकार, मुझे पता चला है कि तुम राम सहाय तिवारी से मिला है। नहीं हुजूर, मैं बिल्कुल नहीं मिला। झूठ बोलता है तुम, मेरे पास पक्का खबर है। हुजूर, आपके खबरचियों ने गलत खबर पहुंचा दी है। तेरे बंगले पर कल राम सहाय नहीं था? हुजूर, वो तो लौंडी तहसीलदार के साथ महाराज साहब से मिलने के लिए आया था। हुजूर, लौंडी का तहसीलदार कौन है? हुजूर, वही है अपना श्याम सुंदरदास भट्ट। एडीसी, उस तहसीलदार को सस्पेंड कर दो और इस दीवान को पद से बर्खास्त कर दो। नहीं नहीं हुजूर, ये तो अन्याय है सरकार, ये तो अन्याय है। तू हट जा मेरे सामने से। तू एक घंटे के भीतर छतरपुर छोड़ देने का, वरना तेरा खैर नहीं। सरकार, इसी बीच चरण पादुका में मकर संक्रांति 14 जनवरी 31 को सभा करने का निर्णय नेताओं ने लिया, जिसकी तैयारी गुपचुप तरीके से तेजी के साथ होने लगी। पॉलिटिकल एजेंट फिशर को इसकी खबर मिली, वो सभा को असफल करने में जुट गया। लेकिन ज्यों-ज्यों फिशर ने जनता को धमकाया, जनता में आंदोलन के प्रति दुगना जोश पैदा होता गया। आ गया मकर संक्रांति का दिन। उर्मिल नदी के तट पर इस बार बुड़की के मेले में भारी चहल पहल। चारों ओर से गांवों के लोग मेला देखने समूहों में लमटेरा गाते हुए निकल पड़े। जा
मेले में अपार जन समुदाय उपस्थित। कोई अपने बाल गोपालों के लिए गुब्बारे, कोई बहनों के लिए कंगन, कोई माँ के लिए साड़ी का मोल भाव कर रहा है, तो कुछ लोग बुड़की के बाद खाने के लिए गड़िया गुल्ला खरीद रहे हैं। वहीं दूसरी ओर एक खामोश वातावरण में 60-70 हजार लोग सभा में उपस्थित हैं। सभा का सभापति सरजू दोवा को बनाया गया। उधर पॉलिटिकल एजेंट फिशर को सभा की खबर मिली तो वो इंदौर से मंगाई गई कोल भील पलटन को लारियों में भरकर चरण पादुका पहुंचता है। सभा को चारों ओर से घेर लिया जाता है। पेड़ों पर मशीन गने फिट कर दी जाती हैं। सभा में मंत्री का दायित्व लल्लूराम शर्मा निभाते हुए सभा का संचालन करते हैं। सभा में हीरा सिंह व राम सहाय तिवारी की रिहाई कराने का प्रस्ताव पारित होता है। बाद में सेठ सुंदरलाल गिलोहा तिरंगा थामते हैं। इधर तिरंगा फहराया गया, उधर से थानेदार मियादाद खां और गिरिजा प्रसाद को सभा विचलित करने का आदेश हुआ। थानेदार चिल्लाए, यहां से भागो। इस पर कोई भी टस से मस नहीं हुआ। ये देखकर फिशर का खून खौल उठा। उसने कोल भील पलटन को निहत्थी प्रजा पर गोली चलाने का हुक्म दिया। चारों ओर से घिरी जनता पर गोलियों की बौछार शुरू हो गई। चारों ओर चीखे ही चीखे, लोगों में कोहराम। जहां देखो वहां खून ही खून, लाशों पर लाशें पड़ गई। घायलों की करुण पुकारों से वातावरण सहम उठा। हुरमिल का पानी लाल हो गया। श्री दशरथ जैन स्वतंत्रता सेनानी बताते हैं, 14 जनवरी का पर्व, मकर संक्रांति का पर्व होता है, मेले लगते हैं। उस मेले की विशेषता ये थी कि उसके ऊपर ये ऐलान हुआ था मीटिंग का कि वहाँ के ऊपर कांग्रेस की एक बहुत बड़ी सभा होगी जिसमें सारी समस्याओं के ऊपर विचार किया जाएगा और जो ये लगान वगैरह है इसको जो है वो किस तरह से ख़त्म करना है और ये अन्याय कैसे दूर होना है इसके ऊपर विचार होगा। तो जब उसको पता पड़ा कि मीटिंग होना है और मीटिंग में सब लोग इकट्ठे होंगे, जो इस आंदोलन के नेता थे पंडित राम सहाय तिवारी, ठाकुर हीरा सिंह और मल्लजू और दूसरे जितने भी लोग थे, मोतीलाल पाठक वगैरह, इन सबको अरेस्ट कर लिया था टीकर में ही, या जब वो उसने अपना दौरा शुरू किया था, और उनको ले जा करके नौगांव में रख दिया था। तो ये जो भीड़ थी, जो मीटिंग हो रही थी, मीटिंग में उनके जो यानी स्थापित नेता थे जिनका उनको ऊपर बहुत बड़ा विश्वास था, वो नेता उसमें वहाँ नहीं थे। तो वैसी स्थिति में मीटिंग में जिस प्रकार की व्यवस्था होना चाहिए वो नहीं हो पाई और मीटिंग चलती रही। सब लोग भाषण दे रहे थे, इतने में क्या हुआ कि कोई नाद के दौआ थे तो वो वहीं से कुछ पुलिस वालों से कुछ तकरार हो गई, झंझट हो गई, और उसी समय राम सिंह जो ठाकुर हीरा सिंह का लड़का था, तो राम सिंह पेड़ के ऊपर बैठा था, बड़ी छोटी उम्र का था, उसने एक गोली चला दी। अब जब एक गोली चल गई तो कर्नल फिशर को एक बहाना मिल गया, बहुत अच्छा बहाना मिल गया, तो उन्होंने मशीन गन से अलाउ कर दिया, मशीन गन को इजाज़त दी कि इसको चला दिया जाए। अब मीटिंग जो हो रही थी, एक नदी में एक टपुआ है, एक जगह है बीच में टापू जैसी, वहाँ पर लोग मीटिंग कर रहे थे और बाकी पूरे नदी में लोग स्नान कर रहे थे, नहा रहे थे। उन दिनों में लाउड स्पीकर वगैरह तो होता नहीं था, तो बड़े ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना पड़ता था, बड़े ज़ोर ज़ोर से बोलना पड़ता था जहाँ तक भी आवाज़ पहुँचे। तो वैसी स्थिति में जब वो गोली चली तो उसमें जो वहाँ के ऊपर टपुआ के ऊपर आदमी थे वो तो मरे ही कुछ, लेकिन उसके साथ साथ जो नदी में भी स्नान कर रहे थे लोग,
तो उनको भी बहुत चोट लगी और इतनी मशीन गन गोलियां चली थीं कि पेड़ों के पत्ते भी नहीं बचे थे और बहुत बुरी तरह से जो है वो दमन हुआ था। उसके बाद में अब जो वहाँ के लोग थे, नेता तो उनके थे नहीं, वो तो गिरफ्तार थे, तो वैसी स्थिति में उन लोगों को लगा कि भाई ये तो अभी कह देंगे कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। तो जो सुंदरलाल सेठ थे जिनकी लाश उनको मिल गई, तो किसी तरह से वो लेकर के महोबा कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में पहुंच गए और वहाँ उन्होंने उस लाश को जो है वहाँ रख दिया और कहा कि देखो इस तरह की गोलियाँ चली हैं और इस तरह के जो है वो हमारे आदमी मारे गए हैं और मारे जा रहे हैं। तो बाद में फिर उन लोगों ने जैसे भी हुआ हो उन्होंने वो लाश को वापस किया और आए और उन लोगों ने दाह संस्कार किया और उसके बाद में पता ये पड़ा, एक रिपोर्ट दायर हुई सरकार की तरफ से और उस सरकार की तरफ से जो रिपोर्ट दायर हुई उसमें केवल 6 आदमी जो है उनके शहीद होने की बात जो है वो उसमें मंजूर की गई थी। लेकिन अगर आप उस रिपोर्ट को पढ़ें तो उस रिपोर्ट से ये लगता है कि उसमें यूपी के और हमारे छतरपुर रियासत और दूसरी रियासतों के अनेक गांव के आदमी विद्यमान थे। इससे ये पता पड़ता है कि वो आंदोलन कितना व्यापक था। भारत माता के इन शहीदों का बलिदान अमर हो गया और अमर हो गए ये शहीद, इनका खून सार्थक गया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में जलियांवाला बाग की नृशंस हत्याओं का पृष्ठ तो है ही और उसी में बुंदेलखंड के चरण पादुका गोलीकांड की ये अमर गाथा भी जुड़ गई। इसे बुंदेलखंड के जलियांवाला बाग के रूप में सदैव याद किया जाएगा। इस तरह ये स्थल हमारा राष्ट्रीय तीर्थ है। चरण पादुका एक त्याग की कथा हमारे देश की, चरण पादुका चिन्ह थलीय है दूजी है उन्मेष की। मेला तो हर वर्ष लगेगा, लगता है स्थानों पर, सारा भारत आज झुका है इस उठते से गांव पर, इस उठते से गांव पर, इस उठते से गांव पर।